सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क। अगर ये आपको ऐसा शो ना हो, अगर सपोज दैट आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं एंड नेटवर्क एंड सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेटवर्क सेटिंग क्लिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन है, यहाँ पर जनरल, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंटेंट, ये सब है। तो एडवांस में क्लिक करना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर्ड एडवांस सेटिंग्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसको एक्सेप्ट करके रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग डिफॉल्ट सेटिंग, डिसेबल ब्राउजर्स, रीसेट यूज़र कस्टमाइजेशन, डिलीट पर्सनल सेटिंग्स। सो ये सब हो चुका है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं CMD। CMD लिखने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ जो कोड दे रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूँगा, मगर वो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो NETSH ओके स्पेस INT स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस C ओके दोनों मार्क स्लैश आएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट रीसेट स्पेस LOG डॉट टेक्स्ट स्पेस विंशोक स्पेस रीसेट, इतना टाइप करने के बाद आप एंटर करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टार्ट द कंप्यूटर टू कंप्लीट दिस एक्शंस। ओके, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर रिस्टार्ट करेंगे इस कंप्यूटर को और वेट करेंगे। तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है अभी। आफ्टर रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर आप देख सकते हो कि इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है और यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र भी डाउनलोड कर लिया है। सो गेट स्टार्ट, थैंक यू सो मच।